नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी है टाइटन। देखिए, टाइटन्स के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि देखिए पहले भी एक कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था उस डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो भी कप विद हैंड पैटर्न्स का। आप इसको कप विद हैंड पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न्स जब भी बने तो उस पैटर्न्स के बेसिस में मुझे देखना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो फाइनली देखिए, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली उस टारगेट को अचीव किया। अभी अचीव करने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली भागते चले गए, कंपनी रुके नहीं, कंटिन्यूसली भागते चले गए और मुझे कोई दूसरा पैटर्न्स नहीं मिला। तो मैं इंतज़ार किया क्या कोई फ्रेश एंटी बन सकता है। तो जब भी मैंने देखा कि एक यहाँ पे करेक्शन होने का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो ये देखने को मिला कि वो कौन सा लेवल तक आ सकते हैं। तो जो सपोर्ट है इसका, वो सपोर्ट कुछ इस तरीके से लेवल में था, मतलब जो सपोर्ट था इसका वो 3,270 के रुपीज़ के आसपास था। इस लेवल तक आए और उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ से वो बाउंस पे करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी एक चीज़ को पहले समझिए, जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, इस लेवल के ऊपर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा, तभी वो एक अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। अगर इस 200 सॉरी ये जो 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पहले भी एक बार कंपनी के ऊपर पहले भी एक बार ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था, मगर नेक्स्ट कैंडल ने फिर से करेक्शन कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इसी जगह पे कंपनी कुछ इस तरीके से डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है। मतलब इस डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट के बाद कंपनी यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो मैं एक पैटर्न्स के लिए इंतजार कर रहा था, वो पैटर्न्स कम्प्लीट होगा, एक कप कम्प्लीट होगा और उसके बाद फिर से एक हैंडल पैटर्न बने तो मैं फिर से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो इतनी लंबा जर्नी करने के बाद अगर कोई स्टॉक कुछ टाइम तक होल्ड करे और उस टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। कितना ज़्यादा, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो चला गया था 196 के आसपास, और वहाँ से गिरते गिरते आज इसका पी रेशियो अराउंड 89 तक आ चुका है, जिसका ओवरऑल 5 साल की पी रेशियो जो है एवरेज, वो 87 के आसपास है, मतलब ठीक ठाक ही है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा है, 11,800 से लेकर 13,000 करोड़ तक, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार अच्छा खासा देखने को मिला। ऑब्वियसली अच्छा खासा का मतलब है कि पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसमें एक बिग अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते है ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी चार्जेस को कम किया गया, मतलब जो देखिए बाहर से कोई भी अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है तो उसको कस्टम ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है, तो गोल्ड के कस्टम ड्यूटी चार्जेस बहुत ज़्यादा था, उसको कम किया गया है, तो एक गुड पॉइंट्स है। इसके लिए टाइटन के अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी टाइटन्स के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो चाहे वो FS हो, चाहे वो DIS हो, चाहे वो पब्लिक हो, क्यों माल बेचेंगे? जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, कंटिन्यूसली 1-20% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, और इसका सेल्स का ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट को थोड़ा सा वीक है, तो क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है। एक दो पॉइंट्स थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में आप बात करें तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया के एक सबसे बड़े देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर कंपनी है। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर इस कंपनी सबसे जो ज़्यादा काम करता है वो है इसका हेलीकॉप्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड साथ ही साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। देखिए कोई भी कंपनीज अगर डिफेंस सेक्टर में स्ट्रांग उसका प्रेजेंस है तो उसका अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, तो
आप देख सकते हैं ये जितने सारे आपको एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स, स्पेस सिस्टम, MRO, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं, उसको रिपेयर करने का, उसको तैयार करने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का। और इस सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और तैयार करने के बाद सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। और क्या सही में कंपनी काम करने के बाद प्रॉफिट का मेंटेन कर रहा है? देखिए इसका रिजल्ट आएगा 14th of August, उससे पहले पिछली बार का रिजल्ट दिखा दूँ तो 12,400 से लेकर 14,700 तक कंपनी का सेल्स दिखे। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,800 से लेकर 4,200 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले, और रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी इसके रिजर्व हाइस्ट है और कर्जा एकदम नाक के बराबर है, जीरो कर्जा है, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है वो है CWIP। CWIP के ऊपर कंपनी के ऊपर 2,400 करोड़ का टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में जो जर्नी है वो जर्नी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद लगातार भागते चले गए। अगर मैं इस कंपनी की एक बार चलो चार्ट भी आपके सामने ओपन कर लूँ, चलो एक बार मैं चार्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी को इतना लंबा जर्नी होने के बाद, देखिए ये जर्नी आज से नहीं, कंपनी का जो जर्नी है बहुत पहले से ही हो रहा है। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड को लिया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर कफ हुई धैन्य बटन्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद मैं जरूर कहूँगा अगर मेरा एंट्री इस लेवल में नहीं होता तो मैं नीचे से जरूर एंट्री लेता, क्योंकि लोअर साइड से अगर एंट्री लिया और टॉप लेवल तक मैं टारगेट रखा तो ज़्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिलने का चांसेस था। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में जो जर्नी है उस जर्नी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी बाउंस में करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि रिजल्ट भी आने का चांसेस है 9 तारीख को, और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी का मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है MGL, सॉरी MTNL। तो देखिए MTNL के ऊपर बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स था कि सर MTNL लगातार भागने के बाद लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं, क्या वो फिर से बाउंस बैक नहीं करेंगे? देखिए मैं जब कंटिन्यूसली भागता हुआ जब सिचुएशन दिखा था, तो चलो अभी एक बार चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट बना है। कंटिन्यूसली एक बिग जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक करेक्शन हो रहा है, और करेक्शन का मतलब कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला। अभी एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी जब कंटिन्यूसली भागते चले गए उसके बाद जो करेक्शन हो रहा है मतलब गिरते चले जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट एंड लोअर सर्किट, कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगते चले गए, मतलब नीचे आने का चांसेस शुरू हो चुके हैं। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए पहली बात यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट लेवल को टच कर सकते हैं, जो लेवल निकल कर रहा है करीबन 70 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टारगेट था, इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद कंपनी ऊपर गया था, मतलब यहाँ से फिर से टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी होने के बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। अभी क्वेश्चन जो आया था कि सर सही में क्या बिग करेक्शन हो सकते हैं? देखिए अगर ये सपोर्ट लेवल 70 का लेवल में अगर नहीं रुका, यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरते चले गए, तो सोचना बोर्ड जो डाउन साइड का लेवल है 40 और 38 लेवल का, उस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। क्योंकि इस कंपनी का हालत तो ठीक ठाक नहीं है, सिर्फ BSNL का ट्रेंड आया, उसी ट्रेंड के वजह से लोगों को मन में यही बैठा कि BSNL भाग मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है अभी, तो BSNL के ऊपर सारे लोग खुद के सिम को पोर्ट कर रहे हैं, सिम को चेंज कर रहे हैं, तो MTNL को भी डायरेक्टली फ़ायदा होगा क्योंकि MTNL का पूरा का पूरा हिस्सेदारी BSNL के पास है। तो यही सोच कर लोग एक फॉर्म बाइंग कर रहा था, और उसके बाद अभी जो लोग हाई लेवल में बाई किया वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है उसके ऊपर कभी भी पैसा लगाने के लिए मत सोचना। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आप
आपके हिसाब से जरूर काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मुझे पता है क्या करना है, किस तरीके से ट्रेंडिंग को मुझे पकड़ना है, मुझे पता है, तो आप जरूर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है MTNL के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर के बाद FS के पास तो होल्डिंग नहीं है, DS के पास कुछ होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास है। अभी DS कौन है वो भी देख लीजिए, सबसे पूरा के पूरा होल्डिंग किसके पास है, LIC के पास। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ के सिर्फ LIC ने ही इसके ऊपर होल्डिंग रखे हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड बेसिकली एक 54 करोड़ का कंपनी, सॉरी 54 रुपीज़ का कंपनी है और 102 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में एक गुड अपडेट यही है कि कंपनी एक बार 4:1 का रेशियो का यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोनस दे चुके हैं। तो कंपनी बता रही है इस बार अपकमिंग टाइम्स में स्प्लिट भी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।